हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो कैसे आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। तो तैयार हैं आप सभी? तो चलिए एक जुनून के साथ, नए दिन के साथ, नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, लाइन एंड एंगल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ लाइन, आफ्टर दैट एंगल्स, है कि नहीं? ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तैयार हैं आप सभी? हैव यू प्रिपेयर्ड? ओके, प्रिपेयर्ड हो जाइए बिल्कुल। पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए, ठीक है? लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि बिना पेन एंड पेपर यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड? सो वील डिस्कस अबाउट द लाइन। व्हाट इज अ लाइन? वैसे तो लाइन हमारा क्या है, एक तरह का अनडिफाइंड टर्म्स है, ठीक है, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री में, ठीक है। वैसे हम लोग लिख क्या सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फॉर्म अ लाइन, ठीक है? ऐसा इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एल, एम, एन। ये हमारा लाइन है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, दो पॉइंट है, दो से पॉइंट से होकर जा रहा है ये। मान लो ये एल है, तो ये लाइन का पूरा रे डायग्राम है, मतलब चित्र है, फिगर है। इसको आप ऐसा भी डिनोट कर सकते हो, ए बी लिख दो क्योंकि दो पॉइंट है, और इसके ऊपर ऐसा कर दो, या तो एल से लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे, लाइन का डिनोशन ये हो गया, बराबर। इसके पास कोई एंड पॉइंट है? नो, इट हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता साहेब, ठीक है? रे एक तरफ से काट के हटा देंगे, काट दो, ये एक तरफ का पॉइंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। एरो को हमने हटा दिया, जो एरो था आपका यहां तक, उस एरो को हमने हटा दिया, बराबर है। ये क्या बन जाता है, रे बन जाता है आपका। ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट ही है, अनडिफाइंड टर्म्स है ये सब। इसको लिख सकते हो क्या, ए बी के ऊपर ऐसा एक ही तरफ एरो रहेगा, इट हैज वन एंड पॉइंट। समझ में आ रहा है, इट हैज वन एंड पॉइंट। ओके, अगला है लाइन सेगमेंट। तो दो एंड पॉइंट अगर रहेगा तो क्या बन जाएगा अपना, लाइन सेगमेंट। दोनों तरफ से एरो हटेगा, डिनोटेड बाय ए बी, पूरा दो तरफ एरो, एक ही एरो विदाउट एरो। समझ में आ रहा है, इट हैज टू एंड पॉइंट। कितने होते हैं, दो एंड पॉइंट हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इतना क्लियर है ये बेसिक टर्म्स, ये बिल्कुल शुरुआत है ज्योमेट्री की एकदम, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं एंगल के बारे में, क्या है आगे, एंगल्स। नो 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 नो, उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, कोलिनियर पॉइंट, उसके बाद एंगल। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, क्या होता है, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, कम से कम तीन तो होना ही चाहिए ऐसा, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन,
lie on the same line, then it is called then points are called. Okay, points are called as collinear points. पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहने वाले हैं, बराबर है। तो उसको क्या कहा जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाएगा। ओके सही है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे क्या, तीन पॉइंट है, तीनों तो एक ही लाइन में लग रहा है ना, तो मिला दो इसको। मिलाने पे अगर लाइन फॉर्म हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। मिलाने पे अगर लाइन फॉर्म हो गया है कि नहीं, तो क्या होता है वो, कोलिनियर। ठीक है, नॉन कोलिनियर क्या होता है कि अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में नहीं रहेगा, इफ थ्री पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स, इफ एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, दैट मीन्स एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो ये कोलिनियर नहीं है। क्या है ये, तब नॉन कोलिनियर है। तीन पॉइंट को ही हमें लेकर देखना है, लेकर सोचना है और बताना है। ठीक, अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो नॉन कोलिनियर होगा। क्या होगा, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सही है, तो उसको आप लिख लेना है। नेक्स्ट, एंगल्स। नेक्स्ट क्या है, एंगल्स है भाई। ठीक है, व्हाट इज द एंगल, एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट ठीक है, जैसे एक ये है, रे है, ओ ए, एक ये है, ओ बी, क्लियर है। दोनों का एंड पॉइंट सेम है, यही ओ से दोनों निकला है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया है, तो ये क्या बनेगा, एंगल। पॉइंट ओ हमारा क्या होता है, वर्टेक्स। ओ को क्या कहते हैं, ओ इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इस एंगल का वर्टेक्स है। ठीक है, ओ ए क्या है, ओ ए एंड रे ओ बी आर आर्म्स, भुजा, बाह, आर्म, तो ये आर्म है किसका, एंगल का, क्लियर है। इसको लिखेंगे कैसे, एंगल ए ओ पी, जिसको बताना होगा ना वो बीच में रहेगा, बराबर है। अब हम देखने वाले हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, बराबर। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स,
पहला क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर कोई भी एंगल हो वो जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, एंगल ग्रेटर देन जीरो डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे ये आपका एक्यूट है, क्या है मान लो ये 30 है तो क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। कई सारे आ सकते, 30 आ सकता है, 60 आ सकता है, 70 आ सकता है, बस 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट एंगल। अगर कोई एंगल आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, एग्जैक्टली क्या हो, 90 डिग्री फॉर्म करे, एन एंगल हैविंग 90 डिग्री, एन एंगल हैविंग एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पर ए ओ बी ए कितना है, 90, बराबर है ना, समझ में आ रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। अगर कोई एंगल 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे 120 डिग्री क्या है, ये ऑब्ट्यूस है, बराबर ना। तो 2 हो गया, ये 3 हो गया। स्ट्रेट, ऐसा कोई एंगल जो कि 180 डिग्री बनाया है, तो हमारा क्या होता है, वो एग्जैक्टली 180 डिग्री बनाया है। एग्जैक्टली कितना बनाएगा, 180 डिग्री, क्या होगा वो, स्ट्रेट एंगल होगा। और स्ट्रेट एंगल बनने के लिए लाइन होना चाहिए, लाइन पर स्ट्रेट एंगल बनता है, बराबर है ना। फिर उसके बाद स्ट्रेट के बाद रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स यानी क्या, एंगल जो हमारा होगा वो 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। 180 और 360 के बीच में कुछ भी ले लो, 200, 300, 350, 210, 220, 230, 240, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी क्या, एग्जैक्टली अगर 360 बन गया, पूरा ही घूम गया, यहीं पे ए है और यहीं पे बी भी आ गया, ये पॉइंट देखो चल रहा है ना, बी हमारा ऐसे था, फिर ये ऊपर आ गया, फिर यहाँ आया, बी ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, सीधा आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इसी पे आ गया, ओ ए पर ही वो भी आ गया, तो कंप्लीट एंगल बन गया, ठीक है। जिसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, क्लियर है। तो ये था टाइप्स ऑफ एंगल। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल रहेगा वो स्पेशल टाइप का एंगल, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं सबको, खैर।